हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में लास्ट में मैंने आपको कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का कंसेप्ट दिया था। आगे जाकर नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में और बताया जाएगा आपको। मेजर डिफरेंस आपको बता दिया था कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। मोटा मोटा जो याद आपने रखना है वो एग्जाम्पल से, और नॉर्मली जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं और डाइकॉट्स जो हैं वो हर्बेशियस भी होते हैं कुछ और वुडी भी होते हैं। दूसरा, मोनोकॉट्स नॉर्मली पैरेलल वेनेशन होती है लीव्स पर और डाइकॉट्स में रेटिकुलेट होती है। एग्जांपल्स अगर हम ले लेंगे तो मोनोकॉट्स में शुगर कैन है, वीट है, राइस है, जिनके बीज जर्मिनेशन के बाद दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होते हैं, उनको मोनोकॉट्स कहते हैं। मोनो मीन्स वन और डाइकॉट्स जिनके दो कॉटिलीडन्स जो है जर्मिनेशन के बाद अर्थ से बाहर आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जितने भी लेग्युमिनस प्लांट्स हैं, फलीदार पौधे, जितनी भी दालें हैं। तो आइए आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, दैट इज हेटरोस्पोरी। हेटरोस्पोरी मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस। हेटरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, स्पोरी मीन्स स्पोर्स। व्हेन टू डिफरेंट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पोरोफाइट, दैट फेनोमेना इज नोन एज हेटरोस्पोरी। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं अगर उनमें दो या दो से ज़्यादा स्पोर्स डिफरेंट साइज के प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम हेटरोस्पोरी कहते हैं। हेटरोस्पोरी का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ प्री रिक्वेजिट टू सीड फॉर्मेशन। बीज बनने के लिए, बीज बनने से पहले हेटरोस्पोरी का होना अति आवश्यक है, अजहद ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन एज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। जितनी इवोल्यूशंस होती हैं उसमें भी हेटरोस्पोरी जो है एक अहम रोल अदा करती है। इन होमोस्पोरस प्लांट्स विच हैव सेम साइज स्पोर्स, दैट इज नोन एज होमोस्पोरस। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्रोथेलस सो दैट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजिंग एन एग विद स्पर्म इज वेरी हाई। अगर होमोस्पोरस है तो उसके अपने ही प्लांट में, स्पोरोफाइट में दोनों जो हैं गैमेट्स पाए जाते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हेटरोस्पोरी के एग्जांपल्स हैं सेलेजिनेला, सेल्विनिया, मार्सिलिया एक्स्ट्रा। दिस वाज हेटरोस्पोरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सम यूजफुल टर्म्स जो आपको मैन टर्म जो है इस चैप्टर में आ सकती हैं, इनका कंसेप्ट आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, दैट इज प्रोटोनिमा। इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्रोटोनिमा, और इसी प्रोटोनिमा से स्पोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जो स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनिमा तैयार होता है वो फर्स्ट स्टेज है मॉस में, दैट इज नोन एज प्रोटोनिमा।
एंथ्रीडियम जो है इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसके अराउंड सेटेराइल सेल्स की एक जैकेट भी होती है, जैकेट की तरह सेल्स होते हैं, तो उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, मेल को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो मॉसिस में, लिवरवर्ट्स में, कॉनिफर्स में होता है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। डिप्लोंटिक हैविंग लाइफ साइकिल इन विच द मैन फॉर्म एक्सेप्ट फॉर द गैमीट्स इज डिप्लॉय। लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज जिसमें गैमीट्स को छोड़कर बाकी सारी लाइफ साइकिल जो है उसमें डिप्लॉयड होते हैं, सिर्फ गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, बाकी जितने भी लाइफ साइकिल के हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉन्टिक हैविंग अ लाइफ साइकिल इन विच द मैन फॉर्म एक्सेप्ट जाइगोट इज हैप्लॉयड। इसमें जाइगोट को छोड़कर लाइफ साइकिल की मैन फॉर्म जो है वो हैप्लॉयड होती है। स्पोरोफिल, अ स्पोरोफिल इज अ लीफ दैट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल एक ऐसा लीफ होता है जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं, और मेसोफिल और मेगाफिल्स दोनों जो है ये स्पोरोफिल्स हो सकते हैं। होमोस्पोरस, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर दोज विच प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स दैट आर नॉट सेपरेटेड, जो एक दूसरे से अलग सेपरेट नहीं होते हैं और एक ही किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और हेटरोस्पोरस इसका अपोजिट हो गया। आइसोगैमी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मोसिस। डियर स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। जब आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो प्रेस्क्राइब्ड बाई J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में भी पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिवरवर्ट्स एंड मोसिस, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिवरवर्ट्स एंड मोसिस। रिगार्डिंग लिवरवर्ट्स, दे हैव लॉब्ड और ब्रांच्ड थैलस। In case of mosses, similar to stems that have leafy, possess spiral or radial symmetry. Liverworts जो है exhibit flattened pattern forming two or three rows. ये बिल्कुल चपटे चपटे अगर आप देखेंगे ये ज़मीन के ऊपर बिछे हुए होते हैं और एक या दो rows बना सकते हैं, लेकिन mosses जो हैं ये spiral हो सकते हैं या वर्ल फॉर्म में होते हैं, वर्ल एक ही जगह से गुच्छे जैसे निकलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लिवरवर्ट्स की पोरेला, रिक्शिया, मर्चेंटिया, और मोसिस की है स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एट्सेट्रा। अनदर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइको एरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड इन देम इज फ्लोरिडियन स्टार्च एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट। ब्राउन एल्गी में दे कंटेन क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, उसमें था फाइको एरिथ्रिन रेड एल्गी में, और ब्राउन एल्गी में ए और सी क्लोरोफिल के अलावा फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट जो है वो पाई जाती है। इनमें ब्राउन एल्गी में जो फूड है वो मैनिटोल या लेमिनेरिन फॉर्म में होती है, और जैसा कि रेड एल्गी में फ्लैजिला एक टेल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है,
तो ब्राउन एल्गी में दो अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज हमने आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिया। बॉटनी के जो चार यूनिट्स हैं उनमें से हाफ द पोर्शन इज कंप्लीट नाउ। मैं आप सभी से ज़रूर इंस्ट्रक्ट करूंगा आपको कि आप रिवीजन शुरू कर दें और बिल्कुल थॉरली इसकी स्टडी करें डिटेल में, और कुछ ही दिनों में हम आपके वीकली टेस्ट भी लेना शुरू करेंगे और रिवीजन भी शुरू करेंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।